शुभ संध्या, मैं श्रेषा आप सबका भारत स्काउसिंग गाइड की तरफ से हिंदी बीएसई न्यूज चैनल में स्वागत करती हूं। आइए मुख्य समाचार जान लेते हैं। कर्नाटका में राष्ट्रीय स्तर का रोवर रेंजर कार्निवल आयोजित किया। राष्ट्रीय स्तर डेजर्ट ट्रेकिंग 120 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुई। 486 व राष्ट्रीय साहसी कार्यक्रम पचमढ़ी में आयोजित किया गया। NYC गतपुरी ने केरला में एडवेंचर कम कोस्टल ट्रेकिंग का आयोजन किया। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित योग परामर्शदाता प्रशिक्षण शिविर। बिहार राज्य ने फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा जिला रैली 27 दिसंबर 2023 को शुरू हुई। दक्षिण पूर्वी रेलवे BSE ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। त्रिपुरा राज्य BSE ने सदस्यों ने NDMA SDMA द्वारा भूकंप पर मॉक ड्रिल में भाग लिया। क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान पर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना में कार्यशाला आयोजित किए गए। आइए समाचार को विस्तार पूर्वक जानते हैं। NHQ राष्ट्रीय स्तरीय रोवर रेंजर कार्निवल शिविर 24 से 30 दिसंबर 2023 तक बेलगावी कर्नाटका में आयोजित किया गया। श्रीमती सुरेखा श्रीवास्तव उप निर्देशक गाइड्स के नेतृत्व में 750 रोवर और रेंजर्स ने इस कार्निवल में भाग लिया। 24 से 30 दिसंबर 2023 तक मंडल प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर डेजर्ट ट्रेकिंग आयोजित की गई, जिसमें 120 प्रतिभागियों रोवर रेंजर स्काउट गाइड्स ने भाग लिया। श्री JP गौड़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने 25 दिसंबर 2023 को ट्रेकिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेकिंग देशनोक मोरखाना से मुकाम राजस्थान तक शुरू की गई। श्री अनिलेंद्र शर्मा सहायक निर्देशक उत्तर पूर्वी क्षेत्र ने ट्रेकिंग का संचालन किया। NAI पचमढ़ी 486 व राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम 18 से 24 दिसंबर 2023 तक भारत स्काउट गाइड्स राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पचमढ़ी में सैनिक स्कूल छोत्रगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के 100 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी साहसिक कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती बिल्की शेख के नेतृत्व में आमंत्रित कर्मचारियों के सहयोग के साथ किया गया। NYC गतपुरी 25 से 29 दिसंबर 2023 तक चेरतला केरला में एडवेंचर कम कोस्टल ट्रेकिंग का आयोजन प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सिद्धार्थ मोहंती के नेतृत्व में किया गया। इसमें हरियाणा राज्य के 134 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने ट्रेकिंग, साहसिक गतिविधियां, प्राकृतिक अध्ययन में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रसिद्ध चर्च एवं मंदिर का भी दौरा किया। यूनिसेफ प्रोजेक्ट भारत स्काउट गाइड राष्ट्र मुख्यालय ने यूनिसेफ के सहयोग से 26 से 30 दिसंबर 2023 तक भोपाल, जबलपुर, मुरैना और ग्वालियर में प्रोजेक्ट क्लैप पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। 400 स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स और यूनिट लीडर्स ने भाग लिया। जलवायु परिवर्तन, कार्बन फुटप्रिंट, मिशन मेरी लाइफ, नेतृत्व जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और संचार योजना पर स्तरीय युवा नेता और संसाधन व्यक्ति द्वारा लिया गया। सामुदायिक भागीदारी के लिए व्यक्तिगत कार्य योजना भी आयोजित किए गए। सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन मेरी लाइफ की शपथ ली। कार्यशाला राजीव जैन राज्य परियोजना समन्वयक के नेतृत्व में राजेश मेवाड़े, ललित मिश्रा, शंकर सिंह और सुखदेव सिंह चौहान के सहयोग से आयोजित किया गया। राज्य समाचार छत्तीसगढ़ भारत स्काउटिंग गाइड छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यालय रायपुर द्वारा 20 से 23 दिसंबर 2023 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र झांकी में हिरक पंख प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भारत स्काउटिंग गाइड छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव द्वारा 26 दिसंबर 2023 को बलदेव प्रसाद मिश्रा स्कूल राजनांदगांव में जिला स्तरीय वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कुंवारी अंजलि वैद्य गाइड कैप्टन के नेतृत्व में किया गया। राजस्थान राज्य स्तरीय डेजर्ट ट्रेकिंग 19 से 23 दिसंबर 2023 तक जैसलमेर में आयोजित किया गया, जिसमें 31 जिलों संघों के 179 रोवर और रेंजर्स ने भाग लिया। श्री पूरन सिंह सिखावत राज्य संगठन आयुक्त के नेतृत्व में ट्रेकिंग किया गया। 24 दिसंबर 2024 को शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महामहिम राज्यपाल कलरेज मिश्र और मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा की गौरवशाली उपस्थिति में लाभार्थी महिलाओं को संबोधित किया। सुश्री भावना शर्मा राज्य पुरस्कार रेंजर एवं सुश्री लजवंती ने मंच व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग किया। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय योग परामर्शदाता प्रशिक्षण शिविर 16 से 20 दिसंबर 2023 तक कालाकुंडा इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया, जिसमें 40 जिलों संघ के 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बिहार
बिहार राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड जिला अररिया द्वारा 27 दिसंबर 2023 को कैरियर गाइड अकादमी अररिया में प्लास्टिक मुक्त भारत शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री बैजनाथ प्रसाद जिला संगठन आयुक्त ने स्काउट गाइड एवं स्कूली छात्रों को प्लास्टिक से दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में 102 स्काउट एवं 60 गाइड सहित विद्यालय के 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 22 दिसंबर 2023 को बिहार राज्य में 85 स्काउट और गाइड्स ने जिला आयुक्त श्री आलोक रंजन के नेतृत्व में आपदा तैयारी के रूप में मॉक ड्रिल में भाग लिया। शिविर का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सोनपुर मेला में किया गया था। बिहार राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स अररिया जिला द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन 22 दिसंबर 2023 को कैरियर गाइड अकादमी अररिया में किया गया। जिला प्रशिक्षण आयुक्त श्री बैजनाथ प्रसाद ने के नेतृत्व में बच्चों को फिट रहने के महत्व पर जोर देते हुए विभिन्न व्यायामों पर और पिरामिड निर्माण सिखाया गया। प्रदर्शन में व्यायामों का प्रदर्शन किया गया और बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन आधे घंटे व्यायाम करने की सलाह दी गई। ईस्टर्न रेलवे 27 दिसंबर 2023 को पूर्वी मध्य रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 6वीं जिला रैली का पारंपरिक तरीके से उद्घाटन किया गया। पूर्वी मध्य रेलवे इंटर कॉलेज के वरिष्ठ मंडल क्रामिक अधिकारी सह डीसी रैली में 300 स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स और जिला एसोसिएशन के यूनिट लीडर्स के साथ शामिल थे। साउथ ईस्टर्न रेलवे क्रिसमस दिवस पर सांद्रगाछी साउथ ग्रुप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे आदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने स्काउट डे में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को 65 कंबल वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सर्दी के मौसम में कोई भी व्यक्ति ठंड से पीड़ित न हो। दक्षिण पूर्वी रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चक्रधरपुर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 32वां जिला शिविर एवं रैली 27 से 29 दिसंबर 2023 तक शुरू हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन DRM CKP डिवीजन और जिला अध्यक्ष भारत स्काउट्स एंड गाइड्स डॉ श्री AJ राठौड़ ने किया, जबकि जिला आयुक्त CKP श्री अश्विन कुमार CKP डिवीजन अन्य अधिकारियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। शिविर में 7 स्थानीय संघों से 480 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। त्रिपुरा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स धर्मनगर इकाइयों के सदस्यों ने त्रिपुरा राज्य द्वारा आयोजित भूकंप पर राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय उत्तर सरकार के सहयोग से धर्मनगर उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय उत्तर में एक शिविर का आयोजन किया गया। 21 दिसंबर 2023 को त्रिपुरा के धर्मनगर पेट्रोल पंप डिपो में SDRF टीम ने भूकंप की स्थिति में इस आपदा से कैसे निपटना है इस पर एक व्यवहारिक सत्र दिया। धर्मनगर के स्काउट गाइड्स को सिखाया गया कि पीड़ितों की सहायता कैसे की जाए, आपदा की स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए। इसके अलावा धर्मनगर के स्काउट गाइड टिफिन वितरित करते हैं और इस मॉक अभ्यास कार्यक्रम की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी भाग लिया। धर्मनगर में 15 स्काउट्स और गाइड्स ने इसमें भाग लिया। ईस्टर्न रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के तहत काछापाड़ा जिला एसोसिएशन की 14वीं जिला रैली 27 से 29 दिसंबर 2023 तक DTC काछापाड़ा में आयोजित की गई, जिसमें 600 कप बुलबुल स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा क्रमश डांगापाड़ा देशबंधु ऑफिसर्स कॉलोनी साउथ और विवेकानंद ओपन एसोसिएशन भी शामिल थे। माननीय जिला मुख्य आयुक्त श्री गोपीनाथ हालदार ने 27 दिसंबर 2023 को रैली का उद्घाटन किया। वेस्ट बंगाल 22 दिसंबर को मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज द्वारा आयोजित एक सराहनीय कार्यक्रम से शुरू हुआ। यह कार्यक्रम समूह परिसर में विशेष रूप से मध्य हावड़ा व्यायाम समिति स्काउट गाइड ग्रुप द्वारा शाम 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य में एक बाउल गन प्रदर्शन और एक कठपुतली शो था, दोनों को समुदाय के भीतर सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले संदेश देने के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया। नए परिपत्र जारी किए गए 269 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कर्शन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम 270 रोवर और रेंजर्स और युवा नेताओं के लिए STG पर राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला 271 राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर BSG डिजिटल स्मार्ट जनरेशन सर्व स्मार्ट 2.0 273
रोवर और रेंजर्स के लिए 9 से 13 जनवरी 2024 तक ओडिशा में राष्ट्रीय स्तर की युवा संगोष्ठी रद्द की गई। 274 मेरा अधिकार और मैं बाल दिवस 22 से 26 जनवरी 2024 राष्ट्र बालिका विषय पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला रद्द की गई। आगामी कार्यक्रम एवं उत्सव आयोजन का नाम राष्ट्रीय युवा साहसिक कार्यक्रम, स्थान गोवा, दिनांक 5 से 9 जनवरी 2024। आयोजन का नाम 57वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम, स्थान कर्शियंग, पश्चिम बंगाल, दिनांक 8 से 12 जनवरी 2024। आयोजन का नाम रोवर रेंजर्स के लिए राष्ट्रीय स्तरीय युवा सप्ताह समारोह शिविर, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, स्थान NYC गतपुरी हरियाणा, दिनांक 9 से 13 जनवरी 2024। आयोजन का नाम 98वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम, स्थान कर्शियंग, पश्चिम बंगाल, दिनांक 15 से 19 जनवरी 2024। आयोजन का नाम सहायक लीडर प्रशिक्षण कोर्स स्काउट विंग, स्थान NTC पचमढ़ी, दिनांक 9 से 15 जनवरी 2024। आयोजन का नाम सहायक लीडर प्रशिक्षण कोर्स गाइड विंग, स्थान NTC पचमढ़ी, दिनांक 9 से 15 जनवरी 2024। आयोजन का नाम छात्रों के लिए जापान पूर्वी एशिया नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज और युवा, स्थान टोक्यो जापान, दिनांक 6 से 13 फरवरी 2024। आयोजन का नाम राष्ट्रीय एकता शिविर, स्थान NYC गतपुरी हरियाणा, दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।